नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा, चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आज के दिन हमने जो जो स्टॉक आपको रिकमेंड करे थे उसका रीजन क्या था, क्योंकि सब स्टॉक्स में दोस्तों टारगेट देखने को मिले हैं। और साथ साथ डिस्कस करेंगे दोस्तों बाजार की गिरावट का, कि बताएंगे कि मार्केट में आज मॉर्निंग में ही ऐसे कौन से पैटर्न देखने को मिले थे जहां से हमें रिवर्सल के साइन मिल गए थे। तो दोस्तों वीडियो काफी एजुकेशनल है, इसको शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो का दोस्तों बेसिकली टॉपिक है कि रिवर्सल को समझे, यानी कि बाजार में जब रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं होता और वहां से रिवर्स होता है, उसको दोस्तों समझना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसकी इंडिकेशन हमने मॉर्निंग में ही आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दी थी। तो यहां पे हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और पहले लेके जाएंगे आपको टेलीग्राम चैनल पे, क्योंकि मार्केट में मॉर्निंग में जो ही पैटर्न बनते हैं वही तभी के तभी हम आपको आपके सामने पोस्ट कर देते हैं टेलीग्राम चैनल पे। तो यहां हमारा टेलीग्राम चैनल पे, यहां पे मैं बात करूंगा दोस्तों कि पहला कौन सा स्टॉक था जो मैंने आपको रिकमेंड करा था। पहला था दोस्तों अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट में दोस्तों मैंने आज लिख दिया था कि अदानी पोर्ट कंसोलिडेशन डेली चार्ट, यानी कि अदानी पोर्ट में दोस्तों कंसोलिडेशन पीरियड बन गया था, यानी कंसोलिडेशन फेज में चल रहा था और 743.25 पे हमने बोल दिया था कि पोजीशन में अपनी शॉर्ट बना सकते हैं। अदानी पोर्ट को हमने आपको बोला था कि 743 के आसपास पोजीशन शॉर्ट बना सकते हैं, और ऐसा ही पैटर्न दोस्तों हमें दो दिन पहले अदानी एंटरप्राइजेस में देखने को मिला था। तो दोस्तों यहां पे सेम पैटर्न रिपीट हुआ है और मार्केट में, यानी कि टेक्निकल एनालिसिस बोला जाता है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, इतिहास हमेशा दोहराया जाता है, और इतिहास दोस्तों दो दिन बाद फिर से दोहराया गया अदानी पोर्ट के रूप में। अब यहां पे दोस्तों हम क्या करते हैं, इसके चार्ट पे जाएंगे और चार्ट पे ही समझेंगे। तो अदानी पोर्ट के चार्ट पे हम जाते हैं और यहां पे दोस्तों मैं इसका चार्ट लगा देता हूं, और ये डेली का चार्ट मैंने आपके सामने लगाया था, तो मैं इस एरिया को थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ पाए। अब यहां पे दोस्तों देखेंगे कि यहां पे ये एरिया में क्या हो रहा था दोस्तों, कंसोलिडेशन हो रहा था, और यहां पे दोस्तों हमने 743.25 पे बोल दिया था अपनी पोजीशन शॉर्ट बना सकते हैं। रीजन क्या था दोस्तों उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये काफी देर से क्या होता कंसोलिडेट हो रहा था और यहां पे हमें क्या था नेगेटिव डाइवर्जेंस देखने को मिले थे। यहां पे अगर मैं टेलीग्राम चैनल पे लेके जाऊं तो हमने यहां पे लिखा था नेगेटिव डाइवर्जेंस, यानी कि दोस्तों जब 743.25 का रेट था तो वहां पे हमें नेगेटिव डाइवर्जेंस देखने को मिले थे, जैसे अदानी एंटरप्राइजेस में देखने को मिले थे, और वैसे ही दोस्तों यहां पे हमने पोजीशन शॉर्ट में बनाई और इसमें जो लो बनाया है दोस्तों, आज लो बन गया दोस्तों इसमें 723 का। तो अगर आपने 743 पे पोजीशन शॉर्ट में बनाई होती तो वहां से आपको दोस्तों 20 पॉइंट्स मिल गए होते। तो आशा करता हूं कि आपने आज अदानी पोर्ट में ट्रेड करके पैसा बनाया होगा, क्योंकि कंसोलिडेशन फेज को भी समझना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखिए कंसोलिडेशन हो रहा था यहां पे और यहां पे नेगेटिव डाइवर्जेंस चलते हुए जा रहे थे, और यहां पे भी दोस्तों हमें क्रॉसओवर देखने को मिला था। तो यहां पे हमें जो कंफर्मेशन लेनी होती है वो कैंडलस्टिक के साथ साथ चार्ट पैटर्न से और साथ साथ दोस्तों इंडिकेटर से भी लेनी होती है, और डाउ के अकॉर्डिंगली जब भी मार्केट कंसोलिडेशन फेज में चलता है तो वहां पे पोजीशन आप शॉर्ट में बना सकते हैं। अब यहां पे जो चार्ट मैंने आपको दिखाया है वो दिखाया डेली का चार्ट। अब यहां पे मैं क्या करता हूं इसके ऑर्डली के चार्ट पे लेके जाता हूं और यहां पे मैं आपको समझाता हूं। तो ऑर्डली के चार्ट पे अगर आप देखते हैं तो यहां पे एक ट्रायंगल पैटर्न भी देखने को मिला था, यहां पे देखेंगे तो ट्रायंगल पैटर्न भी हमें देखने को मिला था। कई लोग बोलेंगे कि ये फ्लैग बन गया, कोई बोलेगा पीनेंट बन गया, बट ये क्या था ट्रायंगल था और यहां पे शार्प नेगेटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहे थे। तो यहां पे भी दोस्तों इसमें जो ब्रेकआउट आया था, यानी कि जो क्रॉस हुआ था, ये यहां पे 743.25 के आसपास हो चुका था, यानी कि दोस्तों कहने का मतलब है 743 के नीचे इसमें जो पोजीशन शॉर्ट में बनी थी वो बनी थी दोस्तों यहां पे अवर्ली के चार्ट पे और डेली के चार्ट पे, जो सेल ऑफ आ चुका था वो 743 के नीचे देखने को मिल गया था। तो यहां पे हमें टाइम फ्रेम के कॉम्बिनेशन को भी सीखना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन को सीखेंगे, मल्टी पैटर्न्स को सीखेंगे दोस्तों, तो आपकी जो एक्यूरेसी होगी वो काफी ज्यादा इंप्रूव होगी, काफी अच्छी होगी। तो यहां पे कहना चाहूंगा दोस्तों बेसिक टेक्निकल एनालिसिस से कुछ नहीं होगा, सीखना है तो पूरा सीखो, नहीं तो कुछ भी मत सीखो, सबसे बेस्ट दोस्तों आपके लिए यही रहेगा। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, यहां पे पहला जो स्टॉक मैंने आपको रिकमेंड करता हूं अदानी पोर्ट था। अब यहां पे दोस्तों दूसरे यहां पे बात करेंगे दोस्तों, वो था बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी में मैंने मॉर्निंग में मैसेज करा था, कई लोगों को क्लियर हुआ भी नहीं थे, कई लोगों के मैसेज आए भी थे, ये मैं दोस्तों समझाना चाहता था। मैंने कई लोगों के मॉर्निंग में मैसेजेस भी आए थे कि भी ये आपने भेजा है हमें कुछ समझ नहीं आया, तो इसको दोस्तों समझेंगे। तो यहां पे देखेंगे दोस्तों, यहां पे जैसे आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी का चार्ट, तो यहां पे हमें गैप देखने को मिला था, यहां पे हमें गैप देखने को मिला था, यहां पे हमें गैप देखने को मिला था, और स्मॉल गैप हमें यहां पे और यहां पे भी देखने को मिले थे। अब यहां पे दोस्तों यहां पे भी गैप देखने को मिला था, यहां पे भी गैप देखने को मिला था, और यहां पे दोस्तों एक और गैप देखने को मिला। अब आप देखेंगे दोस्तों कि ये जो चार्ट है बैंक निफ्टी का चार्ट है, और बैंक निफ्टी में दोस्तों क्या था रेजिस्टेंस था,
अब रेजिस्टेंस में दोस्तों क्या गैप देखने को मिला, और यहां पे दोस्तों कहना चाहूंगा कि यहां पे वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा ड्राई थे। तो आज हमने आपको इंडिकेशन दे दिया कि भैया आज बैंक निफ्टी में किसी भी तरीके की तेजी नहीं आएगी, क्योंकि कई लोग बोल रहे हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में नई तेजी आएगी, मार्केट बहुत ज्यादा तेज हो जाएगा। और कई लोगों ने क्या करा, आज मार्केट में लोगों ने कॉल्स ज्यादा परचेस करी। मार्केट में हमारे पास सुबह मैसेजेस आए थे कि भैया बैंक निफ्टी की कॉल खरीद ले या फिर निफ्टी की कॉल खरीद ले, तो हमने उनको बिल्कुल मना कर दिया था। उसका रीजन क्या था, क्योंकि रेजिस्टेंस पे क्या हो रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है। अब रेजिस्टेंस पे कंसोलिडेट होगा तो वहां से रिवर्सल के साइन आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे। तो यहां पे जब इसका रेट चल रहा था बैंक निफ्टी स्पॉट का 36,420 रुपए के आसपास चल रहा था, तो क्या करेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट पे जाएंगे और बैंक निफ्टी के चार्ट पे हम इसे समझेंगे। अब यहां पे दोस्तों क्या करते हैं, बैंक निफ्टी का चार्ट हमने आपके सामने लगा दिया। तो ये देखेंगे दोस्तों, यहां पे हम इस एरिया को थोड़ा सा जूम कर देते हैं, ये देखेंगे। अब यहां पे दोस्तों इसको समझेंगे कि ये देखिए रेजिस्टेंस है। अब ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के ऊपर जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो वहां पे एक्चुअल में वॉल्यूम होने चाहिए, वॉल्यूम देखने को मिले नहीं और ऊपर से मिल गया दोस्तों ये शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार इन बैंक निफ्टी। अब देखो ये जो शूटिंग स्टार पैटर्न मिला है बैंक निफ्टी, वो कहां मिला है, बिल्कुल रेजिस्टेंस पे मिला है। रेजिस्टेंस पे कभी भी आपको शूटिंग स्टार पैटर्न देखने को मिलेगा तो वहां से मार्केट बिल्कुल पूरी तरीके से रिवर्स होता है। इस वजह से दोस्तों निफ्टी में 150 पॉइंट से ऊपर की गिरावट देखने को मिली है। अब यहां पे दोस्तों अगर इसको मैं थोड़ा सा और क्लियरिटी के साथ समझाऊं तो यहां पे देखेंगे कि ये रेजिस्टेंस है, यहां पे शूटिंग स्टार पैटर्न देखने को मिला है, सेलिंग की कंफर्मेशन इसकी जो आई थी वो 36,100 के नीचे आ चुकी थी। बट यहां पे ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस के ऊपर दोस्तों क्या था काम करा रहा था। तो यहां पे ये बाय उन लोगों को करा रहा था जो रेजिस्टेंस के ऊपर खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। अब यहां पे ना एक गैप की स्ट्रेटेजी है, उसके बारे में दोस्तों आपको बताना चाहूंगा। एक गैप की स्ट्रेटेजी है दोस्तों, जिसको बोलते हैं दोस्तों ब्रेक अवे गैप। अब ब्रेकअवे गैप बेसिकली क्या होता है, मैं यहां पे क्या करता हूं बोर्ड पे लेके जाता हूं, बोर्ड पे आपको समझाता हूं कि यहां पे रेजिस्टेंस के ऊपर, यहां पे अगर मैं यहां पे और आपको थोड़ा क्लैरिटी के साथ समझाऊं तो यहां पे देखेंगे दोस्तों यहां पे कि ये क्या है, ये गैप है। अब क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस लेवल है। अब रेजिस्टेंस के बाद क्या हुआ, मार्केट यहां पे क्या हुआ क्लोज हो गया, ठीक है, और नेक्स्ट डे क्या हुआ ये बिल्कुल यहां पे रेजिस्टेंस के ऊपर खुला। तो इसको हम क्या बोलेंगे, टेक्निकल भाषा में बोलेंगे भैया ये ब्रेकअवे गैप है। आपको ये देखना है कि रेजिस्टेंस के ऊपर जब भी मार्केट ओपन होता है गैप के बाद, तो यहां पे हम क्या करते हैं अपनी पोजीशन बाय में बनाते हैं। और ये सेम दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखने को मिला था। तो कई लोगों ने क्या अपनी पोजीशन बाय में बनना चालू कर दिया, सुबह बहुत लोगों के मैसेज आया है बिजनेस चैनल पे, और कई लोग जो टिप्स देते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी खरीद लो, मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई है, इसके अलावा रेजिस्टेंस के ऊपर काम करा रहा है। क्योंकि लोगों के दिमाग में एक चीज है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस सपोर्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सबको लगता है कि भैया मार्केट सिर्फ रेजिस्टेंस सपोर्ट के बीच में ही रह गया है। ऐसा नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, इसके अलावा आपको चार्ट पैटर्न कैंडलस्टिक पैटर्न इंडिकेटर्स और बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं दोस्तों जो आपको समझनी पड़ेंगी। तो यहां पे हमें ये रेजिस्टेंस के ऊपर मिला, तो कई लोगों ने क्या करा पोजीशन बाय में बना ली। बट यहां पे दोस्तों बोलना चाहूंगा कि जब भी इस तरीके का पैटर्न देखने को मिलता है तो आपको एक घंटा वेट करना चाहिए, मॉर्निंग का एक घंटा, यानी कि 9:15 पे मार्केट ओपन होगा, 10:15 का वेट करना चाहिए। क्योंकि जो पहली कैंडल होती है ना वो कोई भी हो सकती है, हो सकता है कि वो इवनिंग स्टार बन जाए, हो सकता है वो शूटिंग स्टार बन जाए, हो सकता है वो बेरिश एंगलफिंग बन जाए, हो सकता है वो बेरिश हैरामी पैटर्न मिल जाए। इसके अलावा बहुत सारे रिवर्सल पैटर्न है, कैंडलस्टिक पैटर्न है जो देखने को मिल सकते हैं। सेम ऐसा बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला। अब यहां पे क्या करते हैं दोस्तों, हम जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे और निफ्टी के चार्ट पे आपको समझाते हैं। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, निफ्टी का चार्ट आपके सामने लगा देता हूं। अब ऐसा बैंक निफ्टी में देखने को मिला। अब यहां पे क्या करेंगे, निफ्टी के चार्ट पे जाते हैं और निफ्टी के चार्ट पे आपको समझाते हैं। अब निफ्टी के चार्ट में भी दोस्तों क्या करेंगे, यहां पे देखेंगे, मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूं। तो यहां पे देखेंगे निफ्टी के चार्ट में भी, ये स्पॉट का चार्ट है दोस्तों, यहां पे देखेंगे ये भी क्या रेजिस्टेंस के ऊपर करा, ये देखो रेजिस्टेंस के ऊपर, ये देखो ये क्या गैप है, ठीक है, यहां पर क्लोज हुआ, रेजिस्टेंस के ऊपर ही क्या हुआ इसने ओपनिंग कर दी। तो लोगों का मतलब ये रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर ओपन हो चुका है तो बाजार में तेजी आएगी, और देखो किस तेजी से बाजार नीचे गिर रहा है। तो ये चीज सीखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं YouTube चैनल पे, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा, बहुत से ऐसे लोग हैं वो क्या रेजिस्टेंस सपोर्ट आपको पढ़ा देते हैं, लाइनें खींच खींच के आपको बता देते हैं कि भैया टेक्निकल एनालिसिस यही है। टेक्निकल एनालिसिस किसी भी रेजिस्टेंस सपोर्ट का मोहताज नहीं है और ना ही किसी इंडिकेटर का मोहताज है। यहां पे आपको कैंडलस्टिक भी सीखना पड़ेगा, प्राइस एक्शन भी सीखना पड़ेगा, इसके अलावा बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स हैं दोस्तों, इसके साथ साथ बहुत सारे लॉजिक्स हैं, वो सीख के ही दोस्तों आप टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहां पे दोस्तों ये जो बाजार गिरा है उसका कारण क्या, कई लोगों की बाइंग आ चुकी थी, क्यों, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं रेजिस्टेंस के ऊपर खरीद रहे और यहां पर कोई भी वॉल्यूम्स नहीं थे।
डायवर्जेंस थे, क्लैरिटी के साथ दोस्तों डायवर्जेंस देखने को मिल रहे थे। तो इसको ना दोस्तों आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और मैं बोलना चाहूंगा कि सीखना है तो पूरा सीखो, नहीं तो मत सीखो। आधा अधूरा सच झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। सेम दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस के साथ है, आधी अधूरी नॉलेज ना आपको हमेशा लॉस कराएगी, कभी भी दोस्तों आपको प्रॉफिट नहीं हो पाएगा अगर आप पूरा नहीं सीखेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बताया, अदानी पोर्ट के बारे में बताया, अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों यहाँ पे और भी स्टॉक थे जो रिकमेंड करे थे, जो हमारे पास एक ग्रासिम का एक स्टॉक था, बहुत अच्छा स्टॉक था दोस्तों, 1396 के आसपास चला था, शूटिंग स्टार पैटर्न था, कल के दिन ही मिल गया था, आज इसमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, तो हमने 1396 के आसपास में पोजीशन शॉर्ट में बना दी। क्या रीजन था? शूटिंग स्टार था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रासिम के चार्ट पे जाएंगे और यहाँ पे समझेंगे। तो मैं क्या करता हूँ ग्रासिम का 4 hourly का चार्ट सामने लगा देता हूँ, यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे शूटिंग स्टार पैटर्न देखने को मिला था, इसमें सेलिंग की कंफर्मेशन एक्चुअल में कहा है 1350 के नीचे है, बट आज हमें ऊपर देखने को मिला, हमने शॉर्ट पोजीशन बनाई और ये वहां से थोड़ा सा नीचे आ चुका है। बट कहना चाहूंगा कि अगर आप इसमें पोजीशन होल्ड रखते हैं अपनी, या फिर आप फ्यूचर में शॉर्ट करते हैं, या फिर आप इसका ऑप्शन बाय करते हैं, पुट खरीदते हैं इसकी, या फिर आप जो भी शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं जिसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सके, या फिर इंट्राडे के लिए बनाना चाहते हैं मंडे के लिए, तो क्या करिए दोस्तों, कहना चाहूंगा इसका जो टारगेट हमें देखने को लग रहा है आने वाले टाइम पे 1330 के आसपास लग रहा है, क्योंकि शूटिंग स्टार पैटर्न जो बना है वो 4 hourly चार्ट पे देखने को मिला है। अब यहाँ पे दोस्तों अगला जो स्टॉक था, जो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक था, वो है दोस्तों आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक हमने आपको जो रिकमेंड करा था वो 626 पे करा था, बट इसमें जो सेलिंग की कंफर्मेशन आ चुकी थी, बोलना चाहूंगा दोस्तों वो आई थी 628 के आसपास। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आईसीआईसी बैंक के चार्ट पे जाएंगे और यहाँ पे समझेंगे, क्योंकि आईसीआईसी बैंक में बहुत अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे चार्ट पे जाते हैं और यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए दोस्तों आज मॉर्निंग में जो पहली कैंडल थी ना, वो क्या था, उसने लोगों को धोखा दिया, लोगों को धोखा कहने वाला था कि ट्रैप किया, उसने दिखाया तेजी है, और उसके बाद ही ना वहां पे कभी इवनिंग स्टार, कभी शूटिंग स्टार, कभी बेरिश हैरामी पैटर्न, ये सब पैटर्न कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिले हैं। तो यहीं पे शूटिंग स्टार देखने को मिला, यहां पे दोस्तों जो सेलिंग कंफर्मेशन आई थी इसकी अगर मैं बात करूंगा, वो आई थी दोस्तों 630 के नीचे, 630 के नीचे सेलिंग की कंफर्मेशन थी, और दोस्तों और इसमें लो जो देखने को मिला दोस्तों वो मिला है 608 रुपए के आसपास का। तो दोस्तों कहना चाहूंगा कि 630 के आसपास इसमें गिरावट आई थी, सेल ऑफ बना था इसमें, और दोस्तों लो बना है 608 रुपए के आसपास का। तो अगर आपने आईसीआईसी बैंक में पोजीशन शॉर्ट में बनाई होती तो आपको अच्छा खासा पैसा मिल चुका होता, और यही स्टॉक हमने आज दोस्तों आपको रिकमेंड भी करा था। तो आज हमने अपने चार्ट एनालिसिस ग्रुप पे इतनी मैसेजेस करे थे, अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों यहाँ पे अपने प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे लेके जाता हूँ और वहां पे आपको समझाता हूँ। पहले तो देखेंगे, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे हमने कोर्स के स्टूडेंट्स को ऐड करते हैं, जो हमारे कोर्स के स्टूडेंट होते हैं उसको हम इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि ये जो ग्रुप है ना दोस्तों वो बेसिकली क्या है, लर्निंग के हिसाब से लर्निंग का काम करता है, स्कैनर है बेसिकली एक ग्रुप। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मेरे को बहुत सारे स्टॉक्स हैं एक ही बारी में देख लूं कि कहां कहां पैटर्न्स मिले हैं, क्योंकि आप ना जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं 2-3-4 स्टॉक से ज्यादा नहीं ढूंढ सकते। क्यों नहीं ढूंढ सकते दोस्तों, उसका रीजन है क्योंकि एक स्टॉक को ढूंढने में टाइम लगता है, आपको पहले पैटर्न्स भी देखने, कैंडलस्टिक पैटर्न, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स आपको देखने। तो यहाँ पे हमने ग्रुप इसलिए बनाया क्योंकि जब भी किसी में पैटर्न बनेगा उसकी फोटो क्लिक करके वहां पे पोस्ट कर देंगे, उसका नाम, टाइम फ्रेम और साथ साथ उस पैटर्न के साथ। तो यहाँ पे दोस्तों कहना चाहूंगा आज मैंने बहुत सारे स्टॉक रिकमेंड करे थे, यहाँ पे देखेंगे, ये देखिएगा एशियन पेंट, टेक महिंद्रा, TCS, MNM, इंफोसिस, इसके साथ साथ दोस्तों ये देखेंगे, ये देखिए लाइन से दोस्तों टारगेट है सब में, टारगेट टारगेट टारगेट, कितने सारे टारगेट्स हमें देखने को मिले हैं। तो ये क्या है दोस्तों, ये ग्रुप है दोस्तों, ये इसमें बेसिकली क्या करता है, कोर्स के स्टूडेंट्स को ऐड करते हैं और इसमें ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं इस ग्रुप का हिस्सा बनना तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप चाहे तो हमारा टेक्निकल एनालिसिस का ऑनलाइन कोर्स परचेज कर सकते हैं, और अगर आप चाहे तो अपनी एक्यूरेसी 70-80% करना चाहते हैं तो भी आप हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स परचेस कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कहना चाहूंगा दोस्तों आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट है www.chartanalysis.co.in, वहां पे जाइए, वहां पे जाके लॉगिन कर लीजिए, क्रिएट एन यूजर पे जाके आप अपना यूजर आईडी क्रिएट कर लीजिए, फिर देन आप क्या कर सकते हैं हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स परचेस कर सकते हैं। फीस दोस्तों 8000 रुपए, जिसमें कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डॉ थ्योरी, एलईडी थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई साइकोलॉजी सिखाई जाती है। कहना चाहूंगा दोस्तों 28 वीडियोस और 10 आवर्स का कोर्स है, डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल आपको मिलेगी, कोर्स का कंटेंट और क्वालिटी बहुत ही अल्टीमेट है दोस्तों। कहना चाहूंगा अगर मार्केट से 1 lakh rupees का भी कोर्स कर लोगे ना दोस्तों वो भी इसको टक्कर नहीं दे पाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे आपको सपोर्ट भी करते हैं। सपोर्ट के लिए हम क्या कर रहे हैं, आपको एक तो टेलीग्राम चैनल दे रहे हैं, टेलीग्राम चैनल के साथ साथ वो टेलीग्राम चैनल लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। साथ साथ कहना चाहूंगा अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं ही आपकी क्वेरी को सॉल्व करूंगा। तीसरा दोस्तों आपको कहना चाहूंगा कि हम बीच में मीटअप भी करते हैं। चौथा दोस्तों हर संडे का वेबिनार आपको मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट, हर संडे दोस्तों लाइव वेबिनार होता है, तो वहां पे अपने जो क्वेरीज हैं, अपने डाउट हैं दोस्तों लाइव मेरे से पूछ सकते हैं।
तो कहना चाहूंगा दोस्तों कि ये सपोर्ट आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगा, कंटेंट और क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो 8000 रुपए आपको देने हैं, सिर्फ 1.5 से 2 महीने की प्रैक्टिस करनी है और कहना चाहूंगा आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पे कहना चाहूंगा दोस्तों ऑप्शन का कोर्स भी अवेलेबल है हमारे पास और ऑप्शन का कोर्स भी दोस्तों परचेस कर सकते हैं। और आने वाले टाइम पे मैं ऑप्शंस की वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, क्योंकि आने वाले टाइम पे दोस्तों मार्जिन खत्म हो जाएगा या मार्जिन 4 to 5 times रह जाएगा, तो आपके पास जो ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन मार्केट में ट्रेड करना ही रह जाएगा। तो मैं ऑप्शंस की कुछ ऐसी वीडियो आपके लिए बनाऊंगा दोस्तों जो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी, बताऊंगा आपको कि कम मार्जिन में आप किस तरीके से किस तरीके की स्ट्रेटेजी बना के पैसा बना सकते हैं। बट उसके लिए आपको बेसिक ऑप्शन सीखने की जरूरत है और ये ऑप्शन का कोर्स भी हमारे पास अवेलेबल है, वो भी आप कर सकते हैं। यहां पे कहना चाहूंगा दोस्तों कि दो ब्रोकर के लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, दोनों ब्रोकर बहुत ही जेन्युइन है, एक डिस्काउंट ब्रोकर है और एक फुल सर्विस ब्रोकर है। दोनों में से किसी एक में भी डीमैट अकाउंट ओपन करा लेते हैं, संडे का वेबिनार में आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। तो आशा करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।